भाजपा नेता पूर्व मंत्री कमल पटेल ने हरदा ब्लास्ट के बाद कहा, एक बार फिर साबित हुआ है कि कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों, देशद्रोहियों और अवैध कारोबारियों के साथ रहा है। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में जो विस्फोट हुआ है उसमें भी कांग्रेस का साथ निकला है। मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री एवं किसान नेता कमल पटेल ने हरदा में सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि एक बार फिर साबित हुआ है कि कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों, देशद्रोहियों और अवैध कारोबारियों के साथ है। एक फोटो दिखाते हुए उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह रहे, हरदा के कांग्रेस विधायक डॉक्टर आर के दोग ने पटाखा फैक्ट्री का मुख्य कारोबारी और आरोपी राजेश अग्रवाल, मन्नी पटेल कांग्रेस पार्षद मुन्ना पटेल का भाई का ये फोटो सब कुछ बयान कर रहा है। हरदा में निर्दोष लोगों की जान लेने के जिम्मेदार लोगों के साथ कांग्रेस नेता का ये फोटो सब कुछ कह रहा है। मोदी जी ने जो घोषणा की है, हमने भी मांग की थी कि इन पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए जो भी दोषी है, और उनके दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। और जो कांग्रेस आरोप लगाती है इसमें सरकार और भारतीय जनता पार्टी का हमारा कोई हाथ नहीं है, ये कांग्रेस के पदाधिकारी है, मुन्ना पटेल पार्षद है, उसका भाई है, इसमें पार्टनर है, पीपल पानी में उसकी फैक्ट्री में राजू अग्रवाल के साथ है, डॉक्टर आर के जोगले के साथी है, और इसे फोटो भी दिया गया जिसमें स्वागत करके चुनाव में इनने उनका काम किया है, तो ये हमारे कैसे हो सकते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।